देन असौ परब्रह्मा विधीयते। मैं सब संतों को प्रणाम करने के लिए और इस महान छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, संस्कृति शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी और सिंचाई मंत्री जी और सभी जो सरकार के अंग हैं, जो मंच पर उपस्थित हैं और सब जनता जो यहाँ पर उपस्थित है, इन सबको बधाई देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सब लोग और सदियों से पीढ़ियों से राम का नाम लेते हैं, वो जो गंगा सतयुग में धरती पर उतरी थी वही गंगा आज भी प्रवाहित है, वही कैलाश है, वही शंकर जी है, वही अयोध्या है, वही काशी है और जो पूर्वजों के शरीर में रक्त प्रवाहित होता था वो रक्त गंगा आज भी हमारे भीतर प्रवाहित है। वही हवा जिसमें सतयुग के लोग सांस लेते थे वही पानी है, वही सूर्य है, वही आकाश है, वही चंद्रमा है, वही धरती है, कोई दूसरी धरती नहीं है, सब कुछ वही है। केवल हमारे विचार परिवर्तित हुए हैं और हम लोग राम का नाम लेते हैं और मैं तो कहता हूं कई लोग राम का नाम सांस लेने से भी ज्यादा राम का नाम लेते हैं और इस तरह से सारा भारतवर्ष राममय है। लेकिन कथा कहने वाले, प्रवचन करने वाले, राम के नाम से धन्य होने वाले कोई भी यह ख्याल नहीं करता कि उस भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म देने वाली मां कौन है, कौशल्या माता। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी है, सारे संसार में राम के नाम ने धूम मचाया है, संसार को भगवान राम ने मर्यादा सिखाई है, आज संसार कायम है, समाज कायम है तो राम की मर्यादा के कारण कायम है। और ऐसे सुपुत्र को, ऐसे भगवान को, ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम को जन्म देने वाली माता जननी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या है। ये बात हम सब लोगों को गौरवान्वित करती है और इसीलिए जो महानदी का नाम मंत्रालय को देकर के इसका सम्मान बढ़ाया गया, इसी गंगा के तट पर कौशल्या माता की जन्मभूमि है, ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की जन्मभूमि है और छत्तीसगढ़ सरकार ने यानी यहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने माता कौशल्या के नाम पर राज्य अलंकरण घोषित किया और इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत इतिहास को और जो इतिहास हम भूले हुए थे उसको फिर से जागृत किया है। रमन सिंह जी ने हमारे स्वाभिमान को जगाया है, हमारी अस्मिता को जगाया है, हमारे गौरव को जगाया है और छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इसलिए यहाँ की जनता बहुत ही भाग्यशाली है, यहाँ की जनता धन्य है और यहाँ की माटी धन्य है।
मैं इस माटी को प्रणाम करने के लिए कुछ पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आज तक विकास करता आ रहा है, माता कौशल्या, भगवान राम, राजीव लोचन भगवान, कुलेश्वर नाथ और सभी देवी देवता और यहां की परिश्रमी जनता, सरल जनता के प्रभाव से ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, दूसरों के लिए आदर्श बन रहा है, उदाहरण बन रहा है। और इसलिए मैं इस माटी को प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, छत्तीसगढ़ की जय जयकार करता हूं। और इसी प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता रहे। यह जो रास्ता है, मार्ग है, संतों ने हमें बताया है। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और इतिहास के बारे में जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज से भी चर्चा की। उन्होंने प्रथम ही बताया हमें कि ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की जन्मभूमि है, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है और ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, मामा घर है। इस बात से उन्होंने हमें अवगत कराया और इस तरह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया सबको। और रमन सरकार ने भी राज्य अलंकरण की घोषणा करके संतों का सम्मान किया, संतों की सदिच्छा का सम्मान किया है। इसलिए मैं उनको बारंबार धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आगे भी इसी प्रकार माता कौशल्या का आशीर्वाद, भगवान राम का आशीर्वाद, जगत गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि माटी से तन, माटी से मन, माटी से ही सबका जीवन, मेरा हर स्वर इसका पूजन, यह चंदन से भी है पावन, लाखों खूनी वरदानों से इस माटी की उम्र बढ़ी है, प्यास भरी जर्जर छाती पर इन महलों की नींव खड़ी है, इस माटी में राणा सोया और शिवाजी समा गया है, जौहर की गाथा सोई है, झांसी का पथना आ गया है, जिसके स्वर से जग मुखरित था वह माटी में मौन हो गया, नए सितारे पूछ रहे हैं राजघाट में कौन सो गया, इस माटी से मिलने सागर लहरों में फंसकर आकुल है, इस माटी में खेल रचाने अंबर का वासी व्याकुल है, जब माटी में प्राण समाया तो हंसता इंसान बन गया, माटी का कड़ही मंदिर में हम सबका भगवान बन गया, जिसका एक सपूत हिमालय तूफानों में मौन खड़ा है, तुम ही बताओ सोच समझकर इस माटी से कौन बड़ा है। आशीर्वचन के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी जी महाराज को। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे महामंडलेश्वर वृंद, संत वृंद एवं आज के इस राजिम कुंभ के संत समागम समारोह के उद्घाटन अवसर पर पधारे हुए छत्तीसगढ़ राज्य के परम लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री